यहाँ पर जो है वो दो पथ बन रहा है, एक जो ये वाला है, एक जो ये वाला है। तो ये जो है थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये वाला जो है ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगर आप लोग, तो इधर जो है ये देखिए पत्थर वगैरह डाल के जो है इस मार्ग का लगभग जो है निर्माण मार्ग जो है लोगों के लिए, जो जस्ट धर्मपथ के बगल है वो भी देखिए सामने से आ रहा है, और इसको भी ला के जो है इसी मार्ग में इसको भी अटैच करके बाहर से जो है श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए धर्मपथ की जो, अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइडर पर रेलिंग लगेगी वो यहाँ तक चीज़ें कर दी गई हैं। ये देखिए ये इसमें जो है एक स्टील की जो है वो रेलिंग लगाई जाएगी। ये देखिएगा इसका अभी जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है अभी देखिए, और ये लगभग 2027 तक बन के कम्प्लीट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा एक शिखर के निर्माण किए जा रहे हैं। श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में आपको अयोध्या धर्मपथ का पूरा अपडेट दिखाने वाले हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद वीडियो शूट कर रहे हैं और आपको अयोध्या धर्मपथ का अपडेट जो है देने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको दिखाना स्टार्ट, आपको सीधा गोंडा बस्ती बहराइच की साइड पे लेकर जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा अयोध्या का पहला संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे संस्कृत विद्यालय जो है ओपन किया जा रहा है। ये देखिएगा इसका अभी जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है अभी देखिए, और ये लगभग 2027 तक बन के कम्प्लीट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा एक शिखर के निर्माण किए जा रहे हैं इस साइड पर, जो कि मंदिर नुमा बनाया जाएगा। बीच में भी करीब एक शिखर बनाया जाएगा काफी बड़ा सा, और साइड में वह उस पॉइंट पर भी जो है एक शिखर उस पॉइंट पर भी बनेगा। ये देखिए भाई काफी बड़ा बन रहा है, पीछे जितना आप आगे देख रहे हो उतना उसके दो गुना करीब करीब पीछे है, और पूरा देखिए वहां तक है उस पॉइंट तक। उधर भी जो है पूरे निर्माण कार्य अभी जो है इसी जो है विद्यालय के किए जा रहे हैं। ये देखिए इसी का जो है निर्माण कार्य इस साइड पर जो है किया जा रहा है। अभी जो है अंदर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा अलाउ रहेगा तो अंदर भी जाके पूरा आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलिए धर्मपथ का पूरा अपडेट देते हैं, यहाँ चलते हैं अयोध्या में एंट्री करते हैं, और उसके बाद पूरा धर्मपथ जितना भी अभी अपडेट किया जा रहा है बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अगर चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलिए दिखाते हैं पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे, जितना भी चीजें की जा रही है सब कुछ दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, अयोध्या में आपका स्वागत है। इधर देखिएगा ये विद्यालय का जो है इधर पूरा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं भाई, ये काफी बड़ा बनेगा। इधर देख पाइएगा ये इसी का जो है ये पूरा निर्माण कार्य जो है किए जा रहे हैं। साथ में जो है ये सर्विस लेन का भी निर्माण किया जा रहा है इस साइड से, आगे जो है पानी वगैरह भरा हुआ था जिसकी वजह से अभी जो है काम को जो है डिले कर दिया गया है। फिलहाल चलिए धर्मपथ पे जो है एंट्री करते हैं यहाँ से। ये देख रहे हो आप लोग अयोध्या में सब बाहर से लोग आए हुए हैं, बाहर से देखिए लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट बसें जो है आपको बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए अभी देखिए कंटिन्यू जो है लोग आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अब ये है धर्मपथ, आपको यहाँ से सीधे जाना है। इधर देखिए ये लाइटिंग वगैरह भी देखिए ये पूरा लगा दिए गए हैं इधर, क्योंकि भाई दीप उत्सव आ रहा है और चीज़ों को जो है सुंदर बनाने की कोशिश सब किया जा रहा है, क्योंकि सजावट वगैरह ये पूरा हाईवे जो है अच्छे से सजाया जाता है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो है चीज़ें की जाए। देखिए नीचे जो है ग्रास वगैरह देखिए बिल्कुल साफ कर दिए हैं अच्छे से, और अब देखिए शायद इसको कलर्स भी करें, बाकी कलर्स तो अभी जनवरी में ही किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए सोलर वाली जो है लाइटें लगा दिए हैं, देखिए सोलर लाइटें लग गई हैं, सही रहेगा, वायर्स वगैरह की झंझट नहीं है। और ये है दोस्तों सामने जो है धर्मपथ मार्ग, ये बीच में ये धर्म चौक बनाया गया है इतना, जो कि काफ़ी अच्छे से जो है डेकोरेट वगैरह किया गया है, और अच्छा भी लगता है देखने में कि अगर आप लोग डायरेक्ट हाईवे से ऐसे आते हो तो आपको पहले धर्म चौक ये देखने को ही मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं इसमें, बीच में जो है डेकोरेशन वगैरह, और ये सामने आपको धर्मपथ का प्रवेश द्वार देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए काफ़ी भव्य काफ़ी यूनिक बनाया गया है, सूर्य देवता आपको जो है फ्रंट पे ही देखने को मिल जाएंगे अपने घोड़ों के साथ। ये देखिए ये है पूरा धर्मपथ। अब चलते हैं आगे, इसका जो साइड में नए पथ के निर्माण किए जा रहे हैं वो चीज़ें दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइडर पर रेलिंग लगेगी वो यहाँ तक चीज़ें कर दी गई हैं। ये देखिए ये इसमें जो है एक स्टील की जो है वो रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी वजह से ये देखिए बीच में जो है पूरा डिवाइडर के काम कर रहे हैं, दोनों साइडों पे ऐसे उठा के उसके बाद रेलिंग लगा देंगे,
क्योंकि अभी तक जो था इसमें ग्रास वगैरह लगाए थे और भी पौधे लगाए थे, लेकिन जानवर और जो है इंसानों की वजह से वो नहीं बचा, सब बर्बाद होगा, जैसे कि इधर लगा हुआ है। तो वही चीज़ों को जो है देखते हुए जो है अब रेलिंग लगा देंगे स्टील वाली, तो लोग जो है इस पार से उस पार नहीं जाएंगे और साथ में जो है जानवरों से भी जो है सुरक्षा होगी पौधों की। और पथ जो है उस साइड भी बनाया जा रहा है, एक जो है इस साइड भी बनाया जा रहा है। अभी चलिए हम चलते हैं उस साइड भी जो पथ बन रहे हैं उनका अपडेट देते हैं। फिलहाल अगर आप लोग अभी देख पाइएगा तो कुछ इस तरीके से दिखे, काफ़ी मजबूती के साथ जो है ये निर्माण किए जा रहे हैं, ढलैया वगैरह करके अच्छे से बना रहे हैं चार सारी चीज़ें। और ये जितने भी चीज़ें अभी इस पर बन रही हैं सब जो है दीप उत्सव के पहले कंप्लीट होगा, यानी 30 अक्टूबर के पहले इसको कंप्लीट करना ही करना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ों को जो है इधर निर्माण किया जा रहा है। इधर भी देखिए बनाने के लिए जो है सरिया वगैरह लेकर इसको अच्छे से बांध रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि टूरिस्ट बस वगैरह आए थे, तो देखिए ये बाहर से जो है श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए धर्मपथ के जरिए इतना खूबसूरत मार्ग बनाया गया है भाई, इस पे पैदल ही चलो तभी मज़ा आता है देखने में सारी चीज़ें। ये देखिए काफ़ी बढ़िया, ये है सतरंगी पुल, इस पर हम पहुँच चुके हैं। और इधर भी जो है चीज़ों का अच्छा निर्माण किया गया है। अभी हम चलेंगे उस साइड पे, चलना रहेगा क्योंकि बीच में कहीं पे टर्निंग लेने के लिए जगह नहीं है, आगे जगह है, वहाँ से टर्न लेंगे, आपको वो पूरा दिखाएंगे, उसके बाद आपको आगे का अपडेट देंगे। अभी देखिए भाई अब जो है तैयारियाँ जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी हैं दीप उत्सव का, क्योंकि अब के जो है लगभग 25 लाख जो है वो दिए जलाए जाएंगे अब के दीप उत्सव में, तो भाई उसी हिसाब से व्यवस्था भी करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ से जो है टर्न लेके चलेंगे आपको दिखाने वो चीज़ें जो इधर पथ के निर्माण किए जा रहे हैं। फिलहाल इधर से थोड़ा बहुत क्वालिटी में दिक्कत हो गई वीडियो में, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियोज़ देने का, बस रामलला का कृपा रहा तो बहुत जल्दी आपको अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी जिनका क्वालिटी आपको टॉप नॉच देखने को मिलेगा बिल्कुल। ये देखिएगा इधर से जो है ये पथ बन रहे हैं, जो कि इसी पथ में इसको अटैच किया जाएगा जो इसके बगल बनाया जा रहा है। अभी चलिए मैं आगे आपको समझाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अभी देखिए दोस्तों ये है प्रवेश द्वार, अभी इधर से हम गए आपको पूरा दिखाए, लेकिन अब उस साइड से इधर आए क्योंकि इधर जो है पथ के निर्माण किए जा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो है वो दो पथ बन रहा है, एक जो ये वाला है एक जो ये वाला है, तो ये जो है थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये वाला जो है ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगर आप लोग तो इधर जो है ये देखिए पत्थर वगैरह डाल के जो है इस मार्ग का लगभग जो है निर्माण कर चुके हैं, क्योंकि पत्थर पड़ चुका है, ऊपर से डामर वगैरह डालेंगे, मार्ग को कंप्लीट करेंगे। और इसके जस्ट बगल यहाँ पे नीचे देखिएगा तो बिल्कुल धर्मपथ से सटा हुआ है और इस पथ के निर्माण किए जा रहे हैं, जो कि ये देखिए नीचे से होते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। बीच में जो है एक डक्ट भी है, पूरा भी आगे चल के दिखाएंगे, हालांकि थोड़ा सा आने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि पत्थर जो है पड़ चुका है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये चीज़ें देखिए भाई, बिल्कुल पथ के बीच में ये पेड़ है, देखिए जबकि कि मिट्टी भी डाल दिए हैं साइड साइड से पेड़ों की जड़ों पर। ये देखिए यहाँ पर भी और ऐसे तमाम पेड़ जो हैं आगे हैं और इस पथ के बिल्कुल बीच में है, तो ये चीज़ अच्छा कर दी गई है। अगर ये ना कटे भाई, क्योंकि अभी डामर वगैरह डालना बाकी है, अगर ये ना कटे तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पथ की भी सेफ्टी ही रहेगी। और वैसे इस पर तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रक वगैरह बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि आगे जो है उतना बहुत विशेष स्पेस नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी गाड़ियाँ जो है वो चलाई जाएँ। तो अभी अगर आप लोग फिलहाल देखिएगा तो कुछ इस तरीके से ये पथ आपको देखने को मिलेगा भाई, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि पेड़ वगैरह भी बीच में है और पथ के जो है निर्माण भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो हम नीचे से चलेंगे क्योंकि ऊपर से जो है निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो ऊपर से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, नीचे चलते हैं आपको पूरा हम दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा बाइक मैंने वहीं पर खड़ा कर दिया था क्योंकि अब इस पर भी चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए बोलता हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इतना सारा मेहनत करना पड़ता है वीडियो को शूट करने। ये देखिए दोस्तों ये है जो पथ थोड़ा सा नीचे है, इसका भी लगभग काम कर ही दिया गया है। और इधर देखिए ये जो ऊपर है पथ, ये देखिए दोनों के काम, और इधर जो है वो धर्मपथ है जो कि इधर सुलभ शौचालय वगैरह भी दे दिया गया है। ये देखिए ये सुलभ शौचालय इधर बना के लगभग कंप्लीट कर दिया गया है, देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग दे के काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इधर देखिए पथ ये इतना ऊँचा है, बीच में देखिए डक्ट है, ये देखिए पतला सा डक्ट बनाया गया है, उधर पथ उतना ऊँचा है वो, और जब भी इस पर हम चल रहे हैं ये नीचे है पथ, ये देखिएगा।
और इस पर भी जो है पत्थर वगैरह डाल के रोड रोलर के जरिए चीज़ों को सही कर दिया गया है पत्थरों को। अब जो है आगे इसको पक्का मार्ग बनाएंगे। इधर देखिए, इधर भी गड्ढे कर रहे हैं, शायद वायर्स वगैरह लेकर जाए, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें भी इसमें लगेंगी। अभी आगे मैं दिखाता हूँ, स्ट्रीट लाइट के लिए भी जगह बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पूरा मेन लाइट का सप्लाई दिया जाएगा उसके लिए ये चीज़ें दे दी गई हैं। ऊपर जो है ये मार्ग का भी जो है पूरा काम चल रहा है। ये देखिए, क्योंकि पत्थर वगैरह पूरा डाल के अच्छे से बना रहे हैं। और इधर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये धर्म पथ है और उसके जो है जस्ट बगल ही ये चीज़ें की जा रही हैं, पूरा निर्माण अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, इस पॉइंट पे स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। देखिए भाई, बहुत ही अच्छा जो है अभी निर्माण तो फिलहाल हो ही रहा है। इधर अभी देखिएगा तो पत्थर नहीं पड़े हैं, ये देखिए पूरा जो है पत्थर वहाँ तक पड़े हुए हैं। अब जो है इसको भी बराबर करके इसमें पत्थर डालेंगे और आगे ले चल के दिखाते हूँ मैं इसको कहाँ पर मिलाएंगे। कोई और ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल। ये मार्ग देखिए काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है भाई देखने में। ये दिखाते हैं, ये देखिए भाई अभी तो काफ़ी अच्छा व्यू है। ये पथ बन जाएगा तो यहाँ के लोकल के भी लोग चलेंगे। और अभी देखिए कैसी जो है इस पर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, देखिए लोकल के लोग अभी से इस पर चल रहे हैं। इधर देखिए जगह जगह पर इस तरीके से जो है रूम टाइप इसको बना दिया जा रहा है। इस पथ पर कई जगह भी बना है। अभी इधर जो है वो पत्थर वगैरह डालना बाकी है और इस साइड पे तो पूरा डाल वाल के रेडी कर दिए हैं पत्थर। और साइड से जो है ये डक्ट के भी निर्माण अभी किए गए हैं, यहाँ तक हो गया है। देखिए आगे का जो है वो कार्य कर रहे हैं इस साइड से। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है अभी कार्य किया जा रहा है। अब ये जो है पथ ऐसे सीधे जा रहा है, आगे जो है वो सतरंगी पुल है। अब देखिए ये मार्ग जो है इसी मार्ग में मिला दिया जाएगा जो फुटपाथ है लोगों को चलने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा जो इसके बाद वाला मार्ग बनाया जा रहा है, इसके जस्ट बगल वाला, वो किधर लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये सतरंगी पुल है और इसके बाद तो चांस नहीं है मार्ग को जाने के लिए। इधर से मैं अगर आपको चल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये मार्ग जो है ले जाने के कोई चांस नहीं। देखिए ये मार्ग आ रहा ना, ये नीचे जो है मार्ग और उसके ऊपर वाला एक है, तो ये नीचे वाला जो है वो लाके यहीं पे मिला देंगे, यहीं पे इसको एंड कर देंगे। देखिए स्ट्रीट लाइट के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये नीचे वाले मार्ग का एरिया है, ऊंचा वाला जो मार्ग है ऊपर वो वाला मार्ग है उधर। अब उधर देखिए कहाँ पे लेके जाते हैं, क्योंकि इसके आगे भी जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं, पूरा ठोकर वगैरह है। अब या तो पूरा जो है फिर से तोड़ेंगे उसके बाद जो है बनाएंगे। ये देखिए पूरा ऊपर ठोकर वगैरह है, जाने के मुझे चांसेस तो नहीं लगते यहाँ पर जो है ऊपर से, मतलब साफ कर फिर मार्ग लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे भी इधर भी कुछ जगह नहीं है। देखिए ये अब ये वाला मार्ग जो है लोगों के लिए जो जस्ट धर्मपथ के बगल है वो भी देखिए सामने से आ रहा है और इसको भी लाके जो है इसी मार्ग में इसको भी अटैच कर दे रहे हैं। अब देखिए और इसके बगल जो बन रहा था उसका तो कोई आता तो यहाँ दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है इसको बनाया जा रहा। ये देखिएगा ये पूरा कंप्लीट है। अब चलते हैं आपको आगे का पूरा अपडेट देते हैं, जो जो चीज़ें आगे की जा रही हैं, जैसे कि रेलिंग वगैरह लगाया जा रहा है और भी कुछ नए अपडेट आगे किए जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक तक, वो चीज़ों को कवर करते हैं, उसको आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल इधर से चलते हैं क्योंकि आगे जो है टर्निंग में है, इधर से तो घूम नहीं सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। भाई करीब करीब 11 बज रहे हैं, बिल्कुल धूप हो चुकी है और इस टाइम देखिए ये भक्तों की भीड़। देखिए लोग कहते हैं अयोध्या में अब लोग आते नहीं रामलला का दर्शन करने, लेकिन देख लीजिए आप लोगों के सामने बिल्कुल साक्ष्य है। और इधर देखिएगा तो ये इधर देखिए कलर्स वगैरह कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उधर, तो उधर बना रहे थे, इधर देखिए बना के फाइनल कर दिए हैं। अब देखिए कलर्स कर रहे हैं, पुट्टी इस पर लगा रहे हैं, इसके बाद जो है इस पर रेलिंग भी लगाई जाएगी। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से देखिए काम कर रहे हैं। अभी जो बीच में पौधे वगैरह लगाए गए थे बिल्कुल सूख चुके हैं भाई, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है, अभी इधर ठंडी आ रही है, तो फिर से जो रिकवर हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं उधर। ये देखिएगा सामने जो है लता मंगेशकर चौक आपको देखने को मिल रहा होगा। इधर ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। देखिए पार्किंग का बोर्ड भी लगा दिया गया है रामकथा पार्क में, लेकिन लोग जो है वो गाड़ियां रोड पे ही पार्क करेंगे। देखिए इतना खूबसूरत मार्ग बनाने का क्या मतलब है अगर गाड़ी वाले आधे मार्ग तक अपनी गाड़ियाँ ही पार्क करते रहें तो। ये देखिए पूरा ये यहाँ तक ये मार्ग बनेगा, आपको थोड़ा सा वहाँ ऊपर से मैं दिखा दूँ, यहाँ ऊपर से हम चल के दिखा देते हैं कि वो जो मार्ग साइड से आ रहा है वो जो है किधर से निकलेगा।
ये देखिएगा दोस्तों, ये अभी जो है लोकल के लोग इस मार्ग को यूज़ कर रहे हैं। बगल में जो है वो धर्मपथ है और ये मार्ग जो है इस धर्मपथ के फुटपाथ के जस्ट बगल से ही आएगा। जितने भी दुकानें वगैरह इधर देख पा रहे हैं आप लोग, ये हटाए जाएंगे जितना ज़रूरत होगी उतनी। अभी तो देखिएगा ये जो मार्ग इसको भी जो है चौड़ा किया जा रहा है। ये देखिएगा ये पत्थर वगैरह साइड में डाल के इसको भी चौड़ा करेंगे। इधर इतना बड़ा पार्किंग एरिया दे दिया गया है, जितना फोर व्हीलर्स हैं सब यहाँ पे देखिए पार्क हो रही है। लेकिन अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, लेकिन रोड पे ही एक तरफ से गाड़ियों को लगाए हुए हैं। क्या ही बताया जा सकता है, जबकि इतना बड़ा बोर्ड लगा है, जब उसमें साफ साफ दिख रहा है पार्किंग किधर है। देखिएगा यहाँ पर इतना स्पेस है। इधर देखिए इस मार्ग को जो है चौड़ा कर रहे हैं। ये देखिए इधर इसको बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत ही पतला सा मार्ग था। ये देखिए यहाँ पे जोन 4 पार्किंग P29 दिया गया है, देख लीजिए पार्किंग के लिए पूरी जगह। इधर जो है ये मार्ग बनेगा जो कि मैंने आपको बताया, जो साइड से आ रहा है वो इधर से ही बनेगा। आगे चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये इधर, अब इधर जो ये इतना शॉप वगैरह है इनको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि मार्ग जो है यहीं से होते हुए जो है इधर से ही जाएगा। ये आप जो जगह देख रहे हो, आगे मैं दिखाऊं तो ये बना हुआ भी है, ये इस पॉइंट पे ये देखिएगा इधर से जो है ये मार्ग आ भी रहा है। ये देखिए इधर से बनता हुआ आ रहा है यहाँ से, और ये जो है बनने के बाद ये इस साइड से यहाँ से जाएगा इससे आगे की ओर, ठीक है। तो ये था दोस्तों धर्मपथ का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। जो जो भी चीज़ें हो रही थी मैंने आपको पूरा दिखाया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।